कांग्रेस ने गुरुवार को नई दिल्ली में आरोप लगाया कि गत 10 वर्षों में देश में नौकरियों के अकाल से हालात और भी बदतर हो गए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक साथ ही आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल 2 करोड़ रोजगार सृजन का अपना वादा पूरा करने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि भारत का युवा ऐसी तरक्की का हकदार है जो उसे अच्छी गुणवत्ता वाली नौकरी दे, न कि बेरोजगारी और पकौड़े की दुकान। उन्होंने कहा कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2023 में 25 से 29 आयु वर्ग के युवाओं में बेरोजगारी दर 15.5% रही, जो लगभग 4 वर्षों में सबसे अधिक है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसका मतलब यह है कि बेरोजगारी की स्थिति अब कोविड-19 महामारी के समय से बदतर है। रमेश ने कहा कि 20 से 24 आयु वर्ग के युवाओं में बेरोजगारी दर 45.5% है। उन्होंने दावा किया कि 30 से 34 साल की उम्र वालों के लिए भी बेरोजगारी दर 3 साल के उच्चतम स्तर पर है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में संकट विशेष रूप से भयावह है, अधिक से अधिक परिवार मनरेगा की ओर रुख कर रहे हैं क्योंकि कोई अन्य रोजगार उपलब्ध नहीं है। नरेश ने यह भी कहा कि अब बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां पैदा करने के अपने वादे को पूरा करने में बुरी तरह से विफल रहे हैं।